नमस्कार दोस्तों, नींबू का तो हम अक्सर यूज करते ही हैं कई चीज़ों में, लेकिन उसके छिलके हम फेंक देते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखेंगे तो नींबू के छिलके को फेंकने से पहले 20 बार सोचेंगे। ये देखिए, आज मैं नींबू के छिलकों पर सर्फ डाल रही हूँ। ये देखकर आप सोच रहे होंगे कि मिम्मी जी ये क्या कर रही हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं मिम्मी के मैजिक में मैजिक कर रही हूँ, जिससे हमारे ढेरों पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, वैसे आप भी अपने पैसे बचा सकती हैं मेरी इस ट्रिक से। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पास में है लगभग 250 ग्राम नींबू। ये नींबू खराब हो रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना इनका जूस निकाल लिया जाए, जिससे हमें जल्दी शिकंजी बनाने में मदद मिलेगी। मैं नींबू को इस तरीके से काट लेती हूँ, सबको एक एक पीस करके कट कर लेती हूँ और इनका जूस निकाल लेती हूँ। दोस्तों, जूस का तो हम कई चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताने की तो आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हमारे पास में बचते हैं ये नींबू के छिलके, जिनको अक्सर हम फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इन नींबू के छिलकों को फेंकना नहीं है, आज हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। इनसे मैं बहुत ही काम की चीज बनाने वाली हूँ, जो आपको रोजाना इस्तेमाल आएगी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। अब हम इन नींबू के छिलकों पर डाल देंगे सर्फ। सभी नींबू पर हम चम्मच की सहायता से सर्फ डाल देंगे, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ। आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर डाल सकते हैं, जो किसी भी कंपनी का हो सब चलेगा। उसके बाद में दोस्तों, हमें चाहिए एक मिक्सी का जार। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिक्सी के जार में हम सभी नींबू के छिलकों को ट्रांसफर कर लेंगे। ट्रांसफर करने के बाद में अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 से 2 गिलास पानी। दोस्तों, आप नॉर्मल पानी डाल सकते हैं, अगर आपके पास में ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, बस गर्म ना डालिएगा। उसके बाद में हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद में दोस्तों, हम इस तरीके की कोई भी कटोरी लेंगे और एक छलनी, जिस तरीके से मैंने लिए है, और इसमें हम इस पेस्ट को छान लेंगे। अभी ये पूरे तरीके से पिसा नहीं है, अभी जो छिलके बचे हुए हैं उनको एक बार फिर से ग्राइंड करके छान लेंगे। उसके बाद में हम इस पे चूल्हा की सहायता से इसमें से पूरा का पूरा जूस निकाल लेंगे। दोस्तों, हमारे पहले वीडियो में जिन्होंने कमेंट करे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो है विजय राठौर सेंधवा मध्य प्रदेश से, लाइको इंडिया 45 उड़ीसा से, विष्णु प्रताप पांडे बलरामपुर यूपी से, जैन के राजस्थान से, आरव क्लास आगरा से। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपका नाम लूंगी अगली वीडियो में। दोस्तों, इस बचे हुए कचरे को हम फेंक देंगे, ये अब किसी काम का नहीं है। अब इसके बाद में दोस्तों, हम इसमें डालने वाले हैं विनेगर, जिसको हम सिरका कहते हैं। सिरका सफाई में बहुत अच्छा काम करता है, तो 1 से 2 टेबल स्पून इसमें हम सिरका डाल देंगे, जिससे हमारी सफाई में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। उसके बाद हम किसी भी डिश वॉश की बोतल में भर कर रख देंगे। इस तरीके की एक प्लास्टिक की खाली बोतल हमारे घर पर होती है, किसी भी कीप की सहायता से हम उसी में भरकर रख लेंगे। दोस्तों, यह हमारा डिश वॉश बाजार से भी अच्छा घर पर ही बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। इससे आप बर्तन साफ करें, फ्लोर साफ करें, टेबल साफ करें, एकदम दिन भर खुशबू महकती रहेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल की चीज। दोस्तों, कहा हम नींबू के छिलकों को फेंक देते हैं, और हमने इन्हीं छिलकों से शानदार लिक्विड डिश वॉश घर पर ही तैयार कर लिया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।